विदिशा के पठारी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दीपोत्सव की तैयारी में जुटे लोगों की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। दीपावली में घर को सजाने संवारने के लिए कई साजो सामान बाजार में बिकने लगे हैं, जिसमें मिट्टी के दिए इस बार उम्मीद है कि काफ़ी जलाए जा सकते हैं। इसी उम्मीद में कुमार प्रजापति समाज दीपावली पर्व की तैयारियों में व्यस्त है। इस वर्ष मिट्टी के दियों की बिक्री अच्छी होगी, इस समय पूरा परिवार दिए बनाने में लगा है। नगर में कुछ परिवार आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखे हैं। ये सभी परिवार मिट्टी के बर्तन और दीप बनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी आय का सूत्र कम होने के कारण अपने पुश्तैनी कामों से तो करीब मुंह मोड़ चुके हैं। वहीं हरि प्रजापति ने बताया कि बहुत दूर से काली मिट्टी लाता हूँ, फिर दीपक और गर्मी के बर्तन एवं अन्य सामग्री बनाकर पैदल नगर एवं गांव-गांव बेचने जाता हूँ। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन के लोगों ने कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की। आधुनिकता के दियों की कीमत कम कर दी है। अब लोग दिवाली पर मिट्टी के दियों की जगह बिजली के प्लास्टिक से बनाए जाने वाले झालर की ओर रुख ले चुके हैं, लिहाजा मिट्टी के दियों की खरीदारी पहले से कम हो गई है। मिट्टी के भी दाम बढ़ गए हैं, जबकि भट्टी में पकाने के लिए जलाए जाने वाली लकड़ी एवं अन्य सामग्री भी कीमत डेढ़ गुना हो गई है। बाजार में कई तरह के रोशनदान बल्ब आने लगे हैं, जिसके चलते मिट्टी के दिए जलाने में लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जब हमारे संवाददाता ने जाकर उनके हाल देखे तो वास्तविकता में आज भी काफी पीछे दिखाई नजर आ रहे हैं। जहां सरकार हर व्यक्ति को हर सुविधा देने का वादा कर रही है, वास्तविकता यह है कि आज भी वह काफी पीछे हैं। उनको यह सुविधा सरकार द्वारा नहीं दी गई है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। हरि प्रजापति, कहां के रहने वाले हो? पठारी। तो आप ये काम कब से करते हो? ये काम हमारे जन्म से ही कर रहे साहब, और हमारे बाबा भी यही करते थे, फिर पिताजी करने लगे, तो पिताजी ने हमें सिखा दिया। इसमें क्या लागत क्या आती है? इसमें लागत आती है साहब, मिट्टी मोल लेना पड़ती है, बोले जाओ, लकड़ी करना मोल लेना पड़ते हैं, और पूरा परिवार लगा रहता है। 5 किलोमीटर दूर से मिट्टी लाते हैं साहब। सरकार से आपको कोई सुविधा नहीं मिली? कुछ सुविधा नहीं मिली साहब सरकार से, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिली सरकार सुविधा। सरकार से जैसे लीज पर मिट्टी के लिए दी जाती है प्रजापति समाज को, तो वो तुम लोगों को किसी को मिली नहीं मिली? किसी को नहीं मिली साहब। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से हम पूरी उम्मीद रखते हैं, मगर कुछ फायदे नहीं दे रही सरकार हमें। क्या चाहते क्या हो सरकार से? हम ये चाहते हैं कि हमें धंधे के लिए सरकार कुछ दहे दे, मिट्टी दहे, दाना पानी दहे, कुछ हम आगे बढ़ने की सोचें, मगर हमें कोई फायदा नहीं है साहब। सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है तो वो आपको यहाँ क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? हमारे जाने साहब क्या क्यों नहीं हो रही है? कुछ भी सुविधा नहीं है साहब। महापर्व का त्योहार चालू है और कुमार प्रजापति समाज द्वारा जो उनका निजी बिजनेस पठारी क्षेत्र में है, वो दिन रात मेहनत करके काली मिट्टी से दीपक, गर्मियों में मटका एवं अन्य सामग्री का उत्पादन करते हैं, गांव-गांव देहात-देहात जाकर बेचते हैं। उनका जीवन यापन बहुत ही दयनीय है, सरकार प्रशासन का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। मैंने जाकर देखा, दीपक बनते हुए उनकी कला के लिए इस पठारी में छोटे से गांव ईदगाह मोहल्ला में मैं है, और मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? हरि प्रजापति। आप यह दीपक का काम करते हैं? जी। तो इसमें आपके लिए क्या फायदा क्या नुकसान है? सब नुकसान भी है फायदा भी है, मगर इसमें से पेट ही पलता है साहब, कुछ बचा नहीं पाते, कि बैंक खाता हो, कि कुछ हो, कुछ भी नहीं है साहब। कितने बच्चे हैं आपके? 3। परिवार में कौन कौन है? परिवार में लड़की है, 2 लड़के हैं, बीबी है। अच्छा, भैया हैं। दीपक लेके या अन्य सामग्री लेके कहाँ कहाँ जाते हैं आप बेचने के लिए? देहातों में जाते हैं, गांव खड़े में जाते हैं साहब बेचने। अच्छा, काय से जाते हैं आप? मूल पे रख के जाते हैं, पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं। आज तक किसी जनप्रतिनिधि की सुविधाएं दी हैं आपको? कोई सुविधा नहीं मिली साहब, हमारे आने से पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आते हैं साहब। आपने किसी से मांग की इस विषय में? शासन प्रशासन से अवगत कराया आपने? आप कई बार कराया है साहब, कुछ भी नहीं मिला हमारा ने। जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।